मैम मेरी क्लास के जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल आतंकवादी है, इतने शैतान है, इतने शैतान है, आपके सारे लेक्चर्स रखे के रखे रह जाएंगे, एक बार आप उन्हें कंट्रोल करके दिखाइए। इतनी नॉइसी क्लास होती है हमारी मैम, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे टीचर्स ने मुझसे पूछे हैं, जिनके जवाब लेकर आज मैं दोस्त आपकी पूनम आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए, क्या आप जब छोटे थे आपकी सारी क्लास एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में रहा करती थी? क्या आपकी स्कूलिंग हुई थी जब जब आपकी टीचर आपसे परेशान होकर बानी नोचने लग जाती थी? बिल्कुल करती होगी ना, सबकी करती है। और मेरी टीचर तो मुझसे, अगर वाकई में कभी लाइव में अपने टीचर्स को आप लोगों के सामने ले आई ना, तो वीडियो में ही मेरे बाल पकड़ के नोच देंगे, इतना परेशान किया है मैंने अपने टीचर्स को। कहीं ना कहीं जो मेरा टीचिंग कैरियर इतना अच्छा है ना, उसके पीछे यही रीज़न है कि मैं वाकई में एक आतंकवादी बच्चा रही हूँ, प्लस स्टूडियस थी थोड़ी बहुत, तो कहीं ना कहीं ओवरकम हो जाती थी वो सारी की सारी चीज़ें। बट ये चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपकी क्लास के बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो शैतानी तो वही करेंगे ना। देखिए आप बच्चों की बात कर रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, एससीईआरटी की ट्रेनिंग्स के लिए बाहर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, वहाँ पर इतने हाईली एजुकेटेड टीचर्स होते हैं और सामने जो व्यक्ति हमें ट्रेनिंग दे रहा होता है, ट्रेनर जो होता है हमारा, जब तक वो नहीं आता ना, तो हम 100 और 200 टीचर्स बैठ कर ऑडिटोरियम में सिर्फ शैतानी, सिर्फ बातें और सिर्फ शोर करते हैं। हमारा टीचर जो ट्रेनर टीचर होता है वो आकर यही कहता है कि टीचर होकर आप लोग इतना शोर मचा रहे हो तो आपके स्टूडेंट्स कितना शोर मचाते होंगे। तो बिल्कुल आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब बच्चा खाली होगा ना तो वो शोर मचाएगा, बिल्कुल मचाएगा। ये मेरी पहली टिप, इसे गांठ बांध लीजिए आप लोग, लॉक कर दीजिए कि भाई आपको ना बच्चों को खाली नहीं रहने देना है, अननेसेसरली खाली नहीं रहने देना है, जिसे आप शोर का नाम दें। अगर आपके साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो के बच्चा शोर मचा रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, कि आप और आपके स्टूडेंट जो है वो एंगेज हैं कुछ काम करने में। बट प्रॉब्लम आती है कि मैम ये बताइए, जब हम लोग एक क्लास से दूसरी क्लास में पीरियड शिफ्ट होते हैं जाते हैं तो उसमें थोड़ा 5-10 मिनट का गैप हो जाता है, उस टाइम पे बच्चे बड़ा शोर मचाते हैं, क्यों नहीं मचाएंगे, कोई है ही नहीं उन्हें ऑब्जर्व करने वाला, छुट्टे हैं वो बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पर आप लाइबल करिए क्लास मॉनिटर्स को स्ट्रिक्टली बिल्कुल, कि इस टाइम पर आपकी परमिशन के बिना कोई बच्चा क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आप एक पास बना दीजिए, 1 for girl and 1 for boy, ओनली 2 passes, यानी एक टाइम में आपकी क्लास की एक लड़की और एक लड़का, सिर्फ 2 बच्चे बाहर जा सकते हैं विद परमिशन ऑफ क्लास मॉनिटर। वो देगा तो सही, अगर कोई जबरदस्ती बाहर जाने की, आप तो हैं ही ना फिर बच्चों को समझाने के लिए अगर वो मॉनिटर की नहीं सुनता। बट स्ट्रिक्टली इस चीज़ को बोलते बच्चे कि विदाउट मॉनिटर परमिशन कोई बच्चा क्लास से बाहर नहीं जाएगा। प्लस सबसे बेस्ट काम जो हमारी टीचर करा करती थी और जो हमारी खड़ूस मॉनिटर क्लास की किया करती थी, कि उनके बाहर उनकी एब्सेंस में ना टीचर कहती थी कि जो बात करे उस सबके नाम बोर्ड पे लिख देना, फिर मैं आके देख लूंगी। तो वही करती थी मॉनिटर, जरा सा हमने हिला नहीं कि उसने नाम बोर्ड पे लिखा नहीं, और उस नाम को मिटाने के लिए भाई क्या नहीं करना पड़ता था कि हमारा नाम जो है वो बोर्ड पे से मिटा दे। तो ऐसा कर सकते हैं ना, करते भी होंगे। तो आपको अपने मॉनिटर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, प्लस हमेशा उनकी बुराई नहीं करनी है, उन्हें अप्रिशिएट करना है। जब आपको क्लास शांत मिले ना उस वक्त हमेशा आप अप्रिसिएशन कर दो कि अरे वाह आज तो तुम लोग बड़े अच्छे बैठे हो, मॉनिटर के लिए क्लैप बनवा दे और उससे ज़्यादा जोर से एक बार क्लास अपने लिए क्लैपिंग कर ले। तो ये चीज़ बच्चों को मोटिवेट करती है कि कल मैम कितनी खुश हो गई थी ना जब हम लोग शांत बैठे थे, हम लोगों के लिए क्लैपिंग हुई थी, आज उससे भी बढ़िया होना चाहिए, आज उससे भी अच्छा अप्रिसिएशन जो है हमें मिलना चाहिए। कभी कभार अगर वो लोग शोर मचाते हुए मिलते हैं और बच्चों के नाम बोर्ड पे लिखे हुए, तो ज़रूरी नहीं हमेशा आप उन्हें पनिश करें, कभी आप उन्हें एक्सक्यूज़ करना भी सीखे कि अच्छा देखो क्या रीज़न था आपने जान लिया, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो तुम ऐसा नहीं करते, बट नेक्स्ट टाइम से बेटा देखो इस तरीके की चीज़ें इनडिसिप्लिन क्रिएट करती है और शायद प्रिंसिपल मैम या मैनेजमेंट आपकी वजह से मुझे स्कोल्ड कर सकता है, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ करा करो। तो ये तो हो गई पीरियड्स के एक्सचेंज के टाइम पर जो शोर होता है उसे आप कैसे डील कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई जब मैम क्लास में ही बच्चे इतना शोर मचाते हैं, हम बोर्ड पे काम कर रहे होते हैं बच्चे पीछे शोर मचा रहे होते हैं, तो भैया ऐसा काम ही क्यों करते हो कि आप काम ही कर रहे हो, अब बोर्ड में घुस गए हो काम करते वक्त, क्लास कहाँ चली गई आपकी? आप जब भी बोर्ड पर काम करें, बोर्ड एंट्रीज की ना एक वीडियो है वो आप देख लें जाकर,
चैनल पर बहुत काम आएगी आपके। आप बोर्ड पर काम करते वक्त क्लास को अपने काम के साथ कनेक्ट रखें। आपको पता है ना कौन बच्चा सबसे ज़्यादा शैतानी करता है क्लास का, कौन बच्चा जो है जो उल्टी सीधी हरकतें करता है आपके पीठ फेरते, उसी बच्चे को आप खड़ा करके बोर्ड के काम में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो भी आप लिख रहे हैं उससे बोलते जाओ, वो रीड करता जाएगा, समझ गए। उसने दो चार लाइनें बोल दी, रेंडमली आप बच्चों को खड़ा कर दें, इससे भी बच्चे बड़े चौकन्ने रहते हैं। भाई किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। काम करते करते आप उनसे क्वेश्चनिंग भी करते रह सकते हैं, इससे भी उनका जो दिमाग है वो खुला रहेगा, वो चीज़ को बिल्कुल अवेयर रहेंगे आपकी बातों को सुनने के लिए। तो ये चीज़ भी उन्हें बिल्कुल मौका नहीं देनी वाली कि वो शोर करें या शैतानी करें। और कब कर सकते हैं, छुट्टी के टाइम पर, जब छुट्टी होने वाली होती है, बच्चे जब बड़ी शैतानी करते हैं तो छुट्टी के टाइम ना ऊब जाते हैं बच्चे, पढ़ते पढ़ते पूरे दिन 8 पीरियड दिमाग उनका घंटा बजने लग जाता है, 8 घंटे बजते हैं उनके दिमाग में भी घंटे बजने शुरू हो जाते हैं। तो उनकी स्थिति को समझो ना, लास्ट पीरियड में बेटर ऑप्शन है कि लास्ट के 5 to 10 मिनट्स आप अपना पीरियड जो है वो पहले वाइंड अप कर दो भैया, और उस टाइम पर कोई फन रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो अपने बच्चों को करा लो, जिससे कि उनके सारे दिन की जो एनर्जी खत्म हो गई थी वो रीगेन कर सकें और खुशी खुशी घर वापस जाएं और एक्टिवली कल अगले दिन स्कूल आने के लिए जो है वो तैयार हो जाए। तो ये मेरी कुछ स्टेप्स थी जो आपकी नॉइसी और शैतान भरी वाली जो क्लास है ना उसका एटमॉस्फेयर चेंज कर देगी, और वाकई में बच्चे आपके साथ मज़े से आपकी क्लास में पढ़ पाएंगे। तो टिप्स कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें बिना भाई बिल्कुल मत जाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप बिना लाइक करे वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल, मैं हूँ आपकी दोस्त।